नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारकों की अगली कड़ी में अधिकरण कारक भाग दो। भाग एक का इससे पहले वाली वीडियो थी, भाग एक अधिकरण कारक का भाग एक था, जिसमें अधिकरण कारक की परिभाषा थे, अधिकरण कारक के जो है कुछ उदाहरण थे। आज की वीडियो में होगा इसी के जो है अधिकरण कारक के भाग दो में कुछ उदाहरण होंगे, एक दो उदाहरण होंगे। कुछ उदाहरण के बाद जो है अधिकरण कारक के प्रकार, अधिकरण कारक के लक्षण और अधिकरण कारक के कहाँ 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 पर अधिकरण कारक प्रयोग होता है आज की वीडियो में उस पर चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं, पहला जो है उदाहरण, फिर भी एक आध और उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आधारो अधिकरणम क्या होता है। इसका जो सूत्र होता है आधारो अधिकरणम, उसमें सप्तमी जो है विभक्ति होती है और उसका कारक चिन्ह में और पर होता है। तो यहाँ पर लिखा आधारो अधिकरणम में, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ पर उदाहरण, और उदाहरण में क्या लिखा है, सबसे पहले आपके आम के पेड़ पर कोयल मधुर स्वर जो है स्वर से गा रही है, ठीक है। आम के क्या कर रही है, पेड़ पर कोयल मधुर स्वर से गा रही, मधुर स्वर से गा रही है, देखो यहाँ पर करता है आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर लिखा है ना, आम्र आम के पेड़ पर, देखो पर है सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक आम के पेड़ पर, आम के पेड़ पर क्या लिखा, आम के पेड़ पर क्या है, कोयल जो है वो करता है, ठीक है। आम के पेड़ पर कोयल मधुर स्वर में गा रही है, ठीक है। आम के पेड़ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग पर इसका जो है कारक चिन्ह है, और आम के पेड़ पर जो है इसका कारक चिन्ह, आम को बोलते हैं आम्र, क्या बोलते हैं आम्र, और पेड़ पर क्या हो जाएगा आम्र वृक्षे, आम्र आम्र वृक्षे, आम वृक्षे, आम्र वृक्षे कोकिला, कोयल को क्या बोलते हैं कोकिला, कोकिला, ठीक है। और जो है क्या कर रही है, मधुर स्वर में गा रही है, सर मधुर स्वरेण, मधुर स्वरेण है ना, यस सर, मधुर स्वर से मधुर स्वरेण। उसके बाद क्या, आम्र वृक्ष कोकिला मधुर स्वरेण, मधुर आम्र के पेड़ पर जो है कोयल मधुर स्वर में क्या कर रही है, सर गा रही है, हाँ कोयल मधुर स्वर में गा रही है। देखिए आम के पेड़ पर कोयल मधुर स्वर में गा रही है, आम के पेड़ पर आम और वृक्षी कोकिला मधुर स्वरेण, कोयल बहुत सारे कोयल, ठीक है। तो ये कोकिला बहुवचन है, कर्ता जो है बहुवचन, ठीक है, और कर्ता बहुवचन की वजह से क्रिया भी बहुवचन आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा गायंती, क्या आ जाएगा सर गायंती, हाँ गायंती, क्या आ जाएगा यहाँ पर गायंती, हाँ। आम के पेड़ पर कोयल मधुर स्वर में गा रही है, आम्र वृक्षे, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वृक्षे आम्र वृक्षे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आम्र वृक्षे कोकिला मधुर स्वरेण गायंती, ये भी क्या चीज है, ये क्रिया है, और क्रिया में कौन सा प्रयोग हुआ है बहुवचन, कौन सी क्रिया है ये बहुवचन क्रिया, ठीक है, यस सर। देखिए तालाब के किनारे बगुले बैठे हैं, तालाब के किनारे, तालाब को बोलते हैं तड़ागस्य, क्या बोलते हैं तड़ागस्य, तड़ाग, तड़ाग मतलब तालाब, और ये षष्ठी वचन है ना, षष्ठी वचन है तड़ागस्य, किनारे तटे, किनारे क्या हो गया तटे, तड़ागस्य तटे है ना, बगुला को क्या हो गया बकाहा, ठीक है, तड़ागस तटे बगुला या बकाहा, और उसके बाद उपविशंती है ना, तालाब के किनारे क्या है, तड़ागस तटे
बकाहा बगुले, बकाहा उपविशन्ति, ठीक है। तालाब के किनारे बगुले बैठे हैं। ये जो तटे हैं ये सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी अधिकरण आधार अधिकरणम की वजह से इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और क्यों सप्तमी विभक्ति? क्योंकि तालाब के जो है बगुले का जो निवास स्थान है तालाब के किनारे, बगुले का जो आधार सूचक है वो तालाब के किनारे है। तो तड़ागस्य षष्ठी एक वचन है, तड़ागस्य तटे किनारे बगुले बकाहा बैठे हैं उपविशन्ति। अब देखिए यहाँ बगुले बका क्या है, बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है, ठीक है ना। कर्ता बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी क्या है बहुवचन, क्रिया भी क्या है बहुवचन, ठीक है। और तटे में सप्तमी विभक्ति हो गया, तड़ागस्य तटे बका, तड़ागस्य तटे बका उपविशन्ति। तड़ाग मने तालाब के, तटे मने किनारे, तालाब के किनारे बगुले बैठे हैं। हाँ सरोवरे लाल को रक्तानी, ठीक है, रक्तम रक्ते रक्तानी, ये जो है नपुंसकलिंग का रूप है, रक्तम रक्ते रक्तानी, रक्तम रक्ते रक्तानी, कमलम कमलानी, कमलम कमलानी, लाल फूल जो है क्या रहे खिले हैं फूलंती, सरोवरे रक्तानी जो है कमलानी फूलंती, फूल रहे हैं या खिले हैं फूलंती, कमलानी सरोवरे रक्तानी कमलानी फूलंती। सरोवर मैंने तालाब में या तड़ागे भी लिख सकते हो, तड़ागे या सरोवरे रक्तानी कमलानी फूलंती, सरोवरे सरोवर में, ये सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है। और कौन सा रूप है? एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और रक्तानी कमलानी, रक्तानी लिखा, रक्तानी कमलानी लिखा है लाल फूल, फूलंती फूल रहे हैं ये बहुवचन है, फूलंती ये बहुवचन, कमलानी बहुवचन, फूलंती बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर ये विशेष है, विशेषण है लाल फूल, ठीक है। तो सरोवर में तालाब में लाल फूल खिले हैं। अधिकरण कारक के तीन प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? अधिकरण कारक के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार होते हैं अधिकरण कारक के? तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑप्शलेसिक, क्या होता है ऑप्शलेसिक, मतलब होता है जिसमें संपर्क जो है क्या होता है मतलब जो है श्लेष मात्र होता है, अल्पकाल का संपर्क है ना, ऑप्शलेसिक आधार। पहले क्या होता है ऑप्शलेसिक आधार, इसका मतलब होता है अल्पकाल, मतलब कम समय के लिए, जैसे वह गाड़ी में बैठा है तो गाड़ी के जो है बैठा है कम समय का, अल्पकाल का संपर्क, कम समय के लिए ऑप्शलेसिक ऑप्शलेसिक आधार। और दूसरा है आपका यह ऑप्शलेसिक आधार है, दूसरा है आपका वैश्विक आधार, वैश्विक आधार, वैश्विक आधार, ठीक है। वैश्विक आधार मैंने विषय पूर्ण विषय सूचक आधार होता है। और तीसरा होता है, तीसरा आपका जो है आपका अभिव्यापक आधार है, अभिव्यापक आधार, जिसमें क्या होता है, और तीनों के बारे में, पहला है ऑप्शलेसिक आधार, दूसरा है वैश्विक आधार और तीसरा है अभिव्यापक आधार। अब है पहला आपका, पहला वाला आधार है ऑप्शलेसिक आधार। ऑप्शलेसिक आधार में वह आधार होता है जिसमें अल्पकाल का क्या होता है, अल्पकाल का संपर्क होता है, अर्थात उसमें जो है क्या होता है पूर्णतया नहीं होता, आधा अल्पकाल, अल्पकाल का संपर्क होने के कारण ऑप्शलेसिक आधार होता है। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं।
ये है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक मतलब अल्पकाल का संपर्क। अल्पकाल का संपर्क में जैसे हो गया बालिका, उदाहरण के लिए बालिका, बालिका क्या हो गया कटे आस्ते, कटे मने होता है चटाई, ठीक है, आस्ते मने बैठी है, किस में बैठी है बालिका चटाई में, कटे में क्या है सप्तमी विभक्ति है ना। तो ये देखो जो बैठना है वो क्या हो रही है, वो थोड़ी देर के लिए बैठ रही है ना, वो चटाई के ऊपर क्या हो रही है थोड़ी देर के लिए क्या हो रही है बैठ रही है, उसका जो है पृष्ठ वाला एरिया, जो पृष्ठ वाला जो क्षेत्र है वही जो है क्या हो रहा है चटाई के ऊपर विराजमान है, ठीक है ना। बाकी जो है क्या है, जैसे इसका ये मान लीजिए यही है, तो इसका ये नीचे वाला जो पृष्ठ वाला क्षेत्र है यही जो है उसका चटाई से संपर्क है, बाकी क्या है खाली है, बाकी साइड में है। दूसरा है जैसे लिखेंगे सोहना, सोहन क्या है बस याने है ना, सोहन बस याने तिष्ठति, सोहन बस यान में बैठा है, ठीक है, बस याने तिष्ठति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो सीट पर बैठा है, लेकिन क्या है उसमें भी वही कंडीशन है, वही वो भी बैक साइड में, ठीक है ना, वो भी बैक साइड में, कुर्सी का बैक साइड में अर्थात पृष्ठ एरिया पृष्ठ वाला क्षेत्रफल में सोहन बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो सोहन पृष्ठ वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या चीज है अल्पकालिक संपर्क हो रहा है, कटे और बस याने दोनों में क्या है सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है सप्तमी। देखिए यह बालिका कटे आस्ते, बालिका चटाई पर बैठी है, सोन बस याने तिष्ठति, सोन बस याने में सप्तमी जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, कटे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। इन दोनों का अल्पकालिक संपर्क है, फिर वो चटाई से हट जाते हैं, उसका जो क्या होता है एक बैक साइड अर्थात पृष्ठ क्षेत्र जो है उसका क्या होता है चटाई संपर्क होता है, यहाँ पर भी अल्पकाल के लिए संपर्क होता है पृष्ठ, बाकी पूरा शरीर का ऐसे जो हुआ खटिया में बैठी है, ठीक है, तो खटिया में भी क्या होगा या हुआ खटिया में लेटा है तो क्या होता है पूरा शरीर नहीं संपर्क नहीं है, पूरा शरीर का संपर्क नहीं होता खटिया से, वो क्या होता है जो है चटाई में बैठी है, इसमें भी पृष्ठ क्षेत्र उसका जो है चटाई से संपर्क है, इसमें भी चेयर से संपर्क है, खटिया जैसे वह जो है खटिया में बैठा है तो खटिया में भी पूरी तरह से नहीं, खटिया में भी क्या होता है वो आधा जो है आपका जो है आपका पृष्ठ क्षेत्र पर रहता है, पूरा शरीर जो है उसका खटिया के संपर्क में नहीं होता। तो इसमें ऑप्शलेसिक में क्या होता है जो इंसान या कोई भी जो है वस्तु है उसका पूरा जो है जो है जो हिस्सा है वह वस्तु के संपर्क नहीं होता बल्कि अल्पकाल का संपर्क होता है। दूसरा है हमारे पास वैश्विक आधार। यस सर। दूसरा है क्या? वैश्विक आधार। वैश्विक आधार है ना, वैश्विक आधार वह आधार होता है जो विषय वस्तु विषय से संबंधित, अर्थात इसमें जो है आपका क्या हो गया फोर या विषयक वस्तु विषयक सूचक विषयक इच्छा सूचक होता है, ठीक है, क्या होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक आधार, ठीक है। अब इसमें क्या होगा जैसे वह क्या है आप मोक्ष से इच्छा अस्ती मोक्ष की इच्छा रखता है, सा मोक्ष इच्छा अस्ति, ठीक है, यस सर, हाँ ठीक है, यस सर, हाँ वृद्ध वृद्ध जो है क्या करती है वृद्ध मोक्षे इच्छास्ति इच्छास्ति, तो क्या गया वृद्ध मोक्ष की कामना करता है, तो यहाँ पर विषय वस्तु हमारे क्या होता है इच्छा रखने उस, ठीक है, इच्छा सूचक मोक्षे, मोक्षे में क्या है सप्तमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो मोक्षे सा मोक्षे इच्छा अस्ति, वृद्धा मोक्षे इच्छा अस्ति,
ठीक है, ये था वैश्विक आधार। अब है अभिव्यापक। तीसरा क्या है? अभिव्यापक। अभी माने अभिव्यापक माने पूरी तरह जो है, व्यापक माने व्याप्त होना। अभिव्यापक आधार पूरी तरह से, जैसे उदाहरण के तौर पर अभिव्यापक आधार में क्या हो गया, तीसरा वाला अभिव्यापक आधार उदाहरण, उदाहरण में हो गया पूरी तरह से, जैसे तेलेशु। अब आ गया हो गया मोहना साध्य, क्या हो गया तेलेशु, तिलेशु, तिलेशु में क्या है सप्तमी व्याप्ति है, तेलेशु तेलों में, तिलेशु तेलम अस्ति, पूरे तेल जो है क्या होता है तेलम अस्ति, अर्थात जो है तेल जो है तिल होते हैं, तिल के दाने में क्या होता है पूरे तिल में क्या होता है तेल होता है, तिलों में तेल व्याप्त है, तेलेशु तिलों में त्याग पूरा तेल में, साइड से आगे से पीछे से सब पूरे तेलों में तेल व्याप्त है। अभिव्यापक माने पूरी तरह से उसका आधार है, तेलों का आधार कौन है तिल है, और तिलों में क्या होता है पूरे तिलों में तेल पाया जाता है, न कि आधे, पूरे तिलों में तेल पाया जाता है। इसमें सप्तमी, तिलेशु में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, तिलेशु तेलम अस्ति, ठीक है, तो इसमें क्या है तिलेशु तेलम, ठीक है, तिलेशु में सप्तमी विभक्ति है, तिलेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तेलम तिलों में तेल होता है, अर्थात सारे तिलों में जितने भी तिलों हैं उसमें पूरे अभिव्याप्त हो, तिलों में तेल पूरी तरह से व्याप्त होता है, पूरी तरह से वो तिलों में संग्रहित होता है, यानी कि जो है वो क्या होगा, अगर ये तिल है इस तिल में पूरा तेल व्याप्त होगा, इसके अंदर पूरा तेल व्याप्त होगा, ठीक है, तिलों में अभिव्याप्त पूरी तरह से तेल होता है, तिलेशु तेलम, ठीक है ना, पयस घृतम अस्ति, दूसरा है पयस मैंने, ठीक है जो है क्या होता है पयसी घृतम अस्ति। अब देखो क्या होता है पय माने दूध, दूध में क्या होता है घी व्याप्त होता है, दूध में घी होता है, ठीक है ना, दूध को अगर मटते हैं, मटने के बाद जो है आपका जो है क्या करता है दूध में घृतम माने घी व्याप्त होता है अस्ति है, तो पय माने पयसी घृतम अस्ति, पयसी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, तो सर। दूध में पूरे दूध में, अब दूध में क्या होता है घी व्याप्त होता है, दूध में क्या होता है घी व्याप्त होता है, दूध में घी व्याप्त होता है, ठीक है, ये दूध है, इस दूध से क्या बनाया जाता है, जब इसको जो है मटते हैं दूध का एजेंट द्वारा रखा जाता है तो उससे घी निकाला जाता है, ठीक है ना, तो दूध में ही घी होता है, अर्थात अभिव्यापक आधार जो चीज दूसरे तरह जो है चीज में, एक चीज दूसरे चीज में पूरी तरह से व्याप्त होती है, तिलेशु तिलम अस्ति पयस घृतम अस्ति, ठीक है, दूध में घी व्याप्त होता है, उसी तरह से जैसे आप बोलोगे कि ऑक्सीजन जो है क्या है, हवा में ऑक्सीजन व्याप्त है ना, हवा में ऑक्सीजन है ना, हवा में नाइट्रोजन व्याप्त है, ठीक है, इसी तरह से एक चीज दूसरी तरह से पूरी तरह से उसमें व्याप्त होते हैं, हवा क्या, हवा में ऑक्सीजन व्याप्त है, तो इसलिए हवा में ऑक्सीजन है, ठीक है, देखो नियम है आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, कुशल, कुशल और निपुण, प्रवीण, निपुण भी लिख सकते हो, प्रवीण भी लिख सकते हो, निपुण, कुशल और निपुण शब्दों के योग में, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति अधिकरण का प्रयोग होता है, yes, sir. योग में सप्तमी विभक्ति अधिकरण का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति है ना, और सप्तमी विभक्ति का कार्य चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है ना, में और पर होता है ना, प्रयोग होता है, होता है प्रयोग, yes, होता है, ठीक है, yes, कुशल और निपुण शब्दों के योग में, निपुण से कुशल, जिन शब्दों का मतलब कुशल हो या निपुण हो, प्रवीण हो, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, होता है, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, उदाहरण के तौर पर समझते हैं, ठीक है, मोहना मोहन क्या है, मोहन जो है ना शास्त्री, शास्त्र में, शास्त्री शास्त्र में,
निपुणहा निपुण है, निपुण के योग में निपुणा में शास्त्र में क्या है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति। हाँ, सप्तमी विभक्ति प्रयोग निपुण शब्द के योग में शास्त्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस कौन सी विभक्ति का? हाँ, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहन शास्त्रों में क्या है? निपुण है, ये करता है ना? यस सर। और करता है एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है ना? क्रिया भी क्या है? एक वचन की है ना? यस सर। हाँ, दूसरा ये देखिए आप जो है क्या लिखा है, मोहना शास्त्री निपुण अस्ति, ठीक है ना। अब सोहना वेदेशु, अब सोहन सोहना सोहन वेदेशु वेदों में, वेदेशु वेदों में क्या है? कुशला अस्ति, कुशल है या निपुण है? कुशल या निपुण है, ठीक है ना। वेदेशु निपुणा अस्ति, कुशला अस्ति, ठीक है। शास्त्रे कुशला, यहाँ पर देखो यहाँ पर कुशल या निपुण भी लिख सकते हैं, निपुणा अस्ति, ठीक है। निपुण है कुशल एक ही चीज है ना, तो ये अस्ति हो गया, ठीक है। यस सर। सोना वेदेश निपुणा अस्ति, मोना शास्त्रे कुशला अस्ति, मोना शास्त्रे कुशला अस्ति, मोना शास्त्रे कुशला अस्ति। मोहन शास्त्रों में क्या है? शास्त्र में कुशल है, ठीक है। तो कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण मोहना शास्त्री कुशलास्ति, कुशल के योग में, यहाँ पर कुशल के योग में शास्त्री में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और दूसरे वाक्य में सोहना वेदेशु निपुणा, निपुण शब्द के योग में वेदेशु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वेदेशु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है ना। यहाँ पर वेदेशु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, ठीक है। तो जो है कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, मोहना शास्त्री कुशला अस्ति, ठीक है। दूसरा है सोहना वेदेशु निपुणा अस्ति। देखिए जो है कुशल और निपुण शब्दों के योग में, कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उसका एक अगला उदाहरण है रामः, राम रामः, राम जो है क्या है? गणिते, गणिते माने गणित में, गणिते गणित में क्या है? निपुणा अस्ति, निपुण है, निपुणा अस्ति, निपुण है, ठीक है। तो यहाँ पर गणिते में निपुण शब्द की योग में गणिते में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। निपुण शब्दों, कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। राम करता है और राम एक वचन कर्ता के साथ क्रिया भी एक वचन की है ना, और क्रिया भी क्या है? एक वचन है ना, ठीक है। निपुण शब्द, कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। गणित शब्द में सप्तमी विभक्ति है। मोहन मोहना इतिहासी, इतिहास में निपुणा निपुण अस्ति माने है, मो जो है मोहन मोहना इतिहासी निपुणा अस्ति, मोहन इतिहास में निपुण है। निपुण शब्द के योग में इतिहास में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निपुण शब्द के योग में इतिहास में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मोहना इतिहास निपुणास्ति, निपुण शब्द के योग में, कुशल और निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए साधु व साधु प्रयोगे, साधु मने सज्जनता, साधु मने सज्जनता के योग में, सज्जनता और दुर्जनता, साधु और असाधु, असाधु मने दुर्जनता,
शब्दों के योग में जो शब्द जो है सज्जनता और दुर्जनता दिखाते हैं, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है या सप्तमी विभक्ति प्रयोग होती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, रामः, राम जो है वो पिता के आज्ञाकारी थे तो वो गया पितरी, साधु साधु, रामः पितरि साधु, रामः पितरि साधु, राम पिता के प्रति सज्जनता अर्थात साधु के शब्द में के योग में पितरि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सप्तमी विभक्ति, ठीक है, तो साधु शब्द के योग में पितरि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। या फिर कृष्णः मातरि साधु, यहां पर मातरी में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, साधु शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से असाधु प्रयोग में कृष्णः मातुले, मातुले में मातुले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मातुले असाधु, असाधु। तो यहां पर असाधु के योग में मातुले में, मातुले मामा कंस के प्रति कृष्ण क्या थे, उनके प्रति उन्होंने देखो कंस खुद ही अत्याचारी थे तो कृष्ण ने उनको सजा दी थी, तो असाधु के योग में मातुले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आजकल के जैसे जो है कई जगह देखने को मिलता है सा पितरिश असाधु, अभी ये उदाहरणों से साधु और असाधु शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण रामा पितरि साधु, पितरि में सप्तमी विभक्ति है, कृष्णा मातरि साधु जो है मातरि में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। असाधु के योग में मातुले है, ये मातुले मामा, मातुले मामा के प्रति, ठीक है, असाधु। तो कृष्णः मातुले असाधु, कृष्णः मातुले असाधु, सप्तमी में मातुले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। देखिए अगला है नियम नंबर 3, यतस्य निर्धारणम्। यत माने जहां पर निर्धारित किया जाता है, जहां किसी वस्तु को अपने समुदाय विशिष्ट, समुदाय में विशिष्ट दिखाया जाए, बिल्कुल अलग दिखाया जाए, समुदाय से अलग दिखाया जाए, वहां पर समुच्चयवाचक, वहां पर समुच्चयवादी शब्द में, समुच्चयवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यतस्य निर्धारण में जहां पर किसी में जो है वस्तु को, किसी व्यक्ति वस्तु को अपने जो है समुदाय में श्रेष्ठ दिखाया जाता है तो उस समुच्चयवादी शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कवीनाम कवियों में, कवीनाम कवियों में, कवीनाम में षष्ठी बहुवचन है और कविशु, कविनाम कविशु, ठीक है, कविनाम कविशु कालिदास, कालिदास श्रेष्ठ हैं, कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ठीक है। तो कविनाम में षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, और कविशु में सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, ठीक है। कवि नाम कवियों में कालिदास उन समूह है, कवि नाम और कविशु एक समूह वाचक शब्द है और समुच्चय में कालिदास बिल्कुल हटके हैं, कालिदास विशु अलग हैं, कवि नाम कविशु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। देखिए युधिष्ठर, युधिष्ठर अपने भाइयों में जो है 5 पांडवों में श्रेष्ठ थे, तो युधिष्ठिरी युधिष्ठिरी युधिष्ठर जो युधिष्ठिर थे, ठीक है, युधिष्ठिरी पांडवा नाम,
युधिष्ठिर पांडवानाम, जो युधिष्ठिर थे पांच भाइयों में, पांडवानाम या पांडवेशु, पांडवेशु ये पांडवाम नाम क्या है, जो है षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। और पांडवेशु में सप्तमी बहुवचन, बहुवचन। तो यहां पर क्या है, युधिष्ठिर पांचों पांच में से बिल्कुल क्या है, उसमें से समुदाय से अलग है। तो जिस समुदाय से अलग होते हैं समुदाय में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पांडवानाम युधिष्ठिर पांडवानाम पांडवेशु श्रेष्ठ अस्ति, श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहां पर पांडवानाम और पांडवेशु में, पांडवानाम में षष्ठी बहुवचन, पांडवेशु सप्तमी बहुवचन। अब अगला है इसमें नदी नाम नदीशु, नदियों में नदी नाम नदीशु या नदीशु नदी नाम, नदीशु नदी नाम गंगा पवित्रतमा अस्ति, गंगा पवित्रतमा अस्ति। नदियों में और नदियों का जो है दोनों में क्या है, ये जो है आपका नदियों में ये जो है क्या चीज है, यहाँ पर जब समुच्चय बोधि जब जो है बहुत समय से एक को बिल्कुल अलग दिखाया जाता है तो वहां पर षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पहले वाले में यहाँ पर मैंने किया ये सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। और दूसरे नदी नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति और दोनों में बहुवचन है, ठीक है। तो उपरोक्त यतस्थ निर्धारण में जहां पर बहुत सारे जो है वस्तु या जो है सब उसमें से किसी एक को श्रेष्ठ दिखाया जाता है, अलग से दिखाया जाता है, तो जिस समुदाय में से जो है वो क्या है उसको अलग दिखाया जाता है, उस समुदाय में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए ये है उदाहरण नंबर फोर, उदाहरण नंबर फोर है बालकानाम बालकों में, बालकानाम बालकानाम बालकों में बालकेशु, बालकानाम बालकेशु, ठीक है। श्यामः बालकानाम बालकेशु श्यामः श्रेष्ठा अस्मि, श्रेष्ठा अस्ति। बालकों में जो है क्या है, जो बालकों का ग्रुप है बालकों के ग्रुप में, और बालकों में श्याम श्रेष्ठ है। तो बाल का नाम है षष्ठी बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति, और बालकेशु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। दोनों में बहुवचन है, दोनों में बहुवचन का बहुवचन है, ठीक है। तो बाल का नाम बालकेशु श्याम श्रेष्ठ अस्ति, बालकों बाल का नाम बालकेशु श्याम श्रेष्ठ अस्ति। अगला है, अगला जो है पर्वतानाम पर्वतों में, पर्वतानाम पर्वतानाम पर्वतेशु, पर्वतानाम पर्वतेषु हिमालयः, पर्वतानाम पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः माने ऊंचा है, उच्चतमः अस्ति। पर्वतानाम और पर्वतेषु समूहवाचक, और समूहवाचक होने की वजह से हिमालय से बिल्कुल अलग कर दिया गया, तो जो समूह है उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये षष्ठी जो है बहुवचन है, षष्ठी पर्वत पर्वतानाम में षष्ठी बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और पर्वतेषु में सप्तमी बहुवचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, बहुवचन सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ठीक है। पर्वतानाम पर्वतेषु हिमालयः उच्चतमः अस्ति। देखिए अगला है नियम एक इन धातुओं में कौन कौन से धातु है, छिप है मुच है अस है,
चिप में छोड़ना या मुझे छोड़ना फेंकने के अर्थ में या छोड़ने के अर्थ में, जिन धातुओं का अर्थ छोड़ना है या फेंकने के अर्थ होता है, तो फेंकने के अर्थ में जो है धातुओं की योग में सप्तमी विभक्ति आती है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं राम मृगी वाणम अक्षिपात। देखो अक्षिपात धातु है, छिप धातु है, और छिप धातु में अक्षिपात मैंने फेंका, बाणम बाण, मृगी मृग पर, तो मृग पर जो है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मृगी मृग पर, राम मृगी बाणम अक्षिपात, रोहना मत्स्येषु, मत्स्येषु में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मत्स्येषु में सप्तमी बहुवचन है, जालम ने जाल अक्षिपात फेंका, शोरोहन ने मछलियों पर जाल फेंका, तो अक्षिप धातु है, अक्षिप धातु के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, मत्स्येषु रोहना मत्स्येषु जालम अक्षिपात, इष्णी अभिलष अनरंज रति आसक्त आदि शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता पुत्रे स्नेहति, माता पुत्रे, पुत्रे मने पुत्र के प्रति, ठीक है, स्नेह रखता है, स्नेह धातु के योग में, स्नेह या अभिलाषा वाची शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पिता पुत्रे स्नेहति, तो पुत्रे में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सप्तमी एक वचन, तो स्नेह अभिलाष अनरंज रति, मतलब इसने अभिलाषा वाची शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, पुत्री और पुत्री में सप्तमी विभक्ति का, माता पुत्री स्नेहति, पिता पुत्री स्नेहति। देखिए समुच्चय बोधक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे श्याम सायं काले, सायं काले मैंने शाम के समय खेलता है, ठीक है, तो जो है क्या लिखा है यहाँ पर, शाम के समय, समय को बता रखा है समय बोधक, ठीक है, धावती दौड़ता है, ठीक है, या फिर वह प्रातः काले, प्रातः काले उत्तिष्ठति, वह प्रातः काल उठता है, तो प्रातः काले उत्तिष्ठति। तीसरा है राज श्याम रोहना सायं काले क्रीडति, क्रीडति वह सोहना प्रातः काले पठति, प्रातः काले पठती। तो यहाँ पर देखिए समुच्चय बोधक शब्दों के योग में सायं काल में प्रातः काल, समय सायं काले, प्रातः काल, सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जितने भी जो है सायं काले प्रातः काले, ठीक है, सायं काले प्रातः काल समय बोधक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और निमित्त जो है निमित्त फल प्राप्ति के निमित्त जो है कर्म योगे में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, निमित्त कर्म योगे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भेड़ के जो है ऊन से जो है कपड़े बनते हैं, तो यहाँ निमित्त शब्द में क्या है, कपड़े बन रहे हैं, किससे, भेड़ के यो जो है ऊन से, तो वहां निमित्त कर्म योगे में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये था हमारे अधिकरण कारक का जो है पार्ट टू पर आधारित वीडियो था, और ये जो है कारकों का जो है जो छह कारक थे उन सभी कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया, उन सभी कारकों का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण सब संबंध कारक में नहीं गिना जाता है, ठीक है ना, इन सभी का हमने अध्ययन किया, और जो है उन वीडियो में आप जो है देख सकते हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।